बताओ, खुल के बताओ। आज के बाद तो मैं मीडिया के सामने आऊँ भी नहीं गी। बात इसी है, जो आदमी वो चांद राम है, जो इतनी वो क्या लाग रहे, चाहे लोग भी मेरे तक क्यों ना गाड़ी दो, अपने ससुरे का नाम ले लाग रही, लेकिन इस मतलब पापा के लाने के या कुछ भी के लाने के लायक है नहीं वो आदमी। क्यों नहीं है? वो खुद की छोरे की बहू ना अपनी बहू बनाने की सोचा के ले उनका फायदा ठावे, तो आदमी किसी के लायक नहीं है। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों, हमारा हाथ जोड़कर राम राम। आज हमारे पास में ये छोटी बहन फिर मौजूद है, जो है काफी वायरल चल रही है आजकल, पूनम गोड़ के नाम से, जो इनकी शादी रापर गांव में हुई थी। इनके पति का नाम विजय, ससुर का नाम चांदराम, जो है सब वाकिफ हैं। आज इनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ है। पहले आज सुबह जो है मेरे पास में खुद चांदराम की धमकी आई एक, और उस धमके का भी जवाब देंगे और इस गुड़िया से पूछेंगे। हाँ जी बहन जी, राम राम। पहले बाबू, राम राम भाई। एक ना आपका जो है पतिया के नाम दोबारा कुछ दर्शक नए जुड़ रहे हैं, ये बताओ उनको। विजय। और ससुर का? चांदराम। इस विजय चांद के नाम को लेकर आपके ससुर का चांदराम का फोन आया मेरे पास में, उसको धमकी कह लें या धमकाना कह लें कि भाई किसी भी वीडियो में मारा बाप बेटे का नाम नहीं आना चाहिए, तो आपका ससुर और पति किसी और ने बनाओ उन्हें बोलोगे बताई क्यों शादी उनके और विजय के लोरी यार, ससुर मेरा चांदराम है तो नाम तो उन्हें का लिया जाएगा, जैसी बात है। ये मैं पड़ोसी किस तरह ले दूं? ये मीडिया ले रही है कि आप लोग ले रहे हो? मैं ले रही हूँ, बता रहे हो? हाँ सच्चाई मैं ले रही हूँ। आज चांदराम जी एक ध्यान से सुनना मेरी बात, डायरेक्ट मैं इसको नहीं आपको संदेश दे रहा हूँ। बड़प्पन के नाते से तो इज्जत कर रहे हैं और धमकियों से तो करारा जवाब को सब कोई देना आता मीडिया को। रही बात मीडिया अगर सच्चाई नहीं दिखा सकती तो लानत है। हमारी लाखों बहन बेटियां दर्शक जो है सच्चाई के सुनने के प्यासे रहते हैं और वो सच्चाई दिखाते हैं। आपका मुद्दा दिखा के और जो है हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? नहीं गलती क्यों कर रहे हो आप, तो जो मैं कह रही हूँ वही तो दिखा रहे हो, अपने तौर तो कुछ दिखाई नहीं रहे। और अब तक तो मैंने यही बोला था कि भाई ये बात है वो बात है छोटी बहुत, लेकिन उस आदमी की मैं सच्चाई खोल दूं ना, जो चांदराम ये कह रहा मेरा नाम नहीं आना चाहिए मीडिया पे, मैं बताए दो फिर जो भी हो मन में, क्योंकि आज बार बार मौका नहीं मिलता हमने भी और आपको भी, और शायद आज के बाद में मौका मिलना भी नहीं। बताओ, खुल के बताओ। आज के बाद तो मैं मीडिया के सामने आऊँ भी नहीं गी। बात इसी है, जो आदमी वो चांदराम है, जो इतनी वो क्या लाग रहे, चाहे लोग भी मेरे तक क्यों ना गाड़ी दो, अपने ससुरे का नाम ले लाग रही, लेकिन इस मतलब पापा के लाने के या कुछ भी के लाने के लायक है नहीं वो आदमी। क्यों नहीं है? वो खुद की छोरे की बहू ना अपनी बहू बनाने की सोचा के ले उनका फायदा ठावे, तो आदमी किसी के लायक नहीं है। क्योंकि एलिगेशन एक अलग चीज होती है और हरकत कर रखी हो वो एक अलग चीज होती है। मैं कोई एलिगेशन नहीं लगाती भैया, मेरे पास प्रूफ भी है अगर आप चाहो, लेकिन कोई एलिगेशन नहीं लगा रही, सच्चाई है ये बात। हाँ ये बात है, अगर नया एलिगेशन लगा मेरे सामने आकर कह दो बात, मैं प्रूफ करूंगी हुई थी कि नहीं हुई। इवन कहा मेरे छोरे का भी नाम नहीं लेना, वो छोरा के था जो खुद की भाभी आ गई से इसी चीज मतलब खुल के नहीं बताना चाहती मैं, बहुत गिरी हुई हरकत हो रही है, वायरल भी नहीं कर सकते हम उन चीजें। इसके साथ मतलब कैसे? मेरे देवर है जो, उसने भी वैसे तो मैं भाई कह अजय भी कह दिया करती, भाई भी कह दिया करती, लेकिन जो हरकत उनने मेरे साथ करी है ना, मेरा घर तली कटन का एक वो था कि भाई मैं अपने आदमी उनके परिवार में सब तो मोटी बात की है कि अगर कोई लड़की ब्याह दी ना तो सिर्फ उनके लड़के के नहीं, जो भाईचारा जो ससुरा उसके भी ब्याह दी, समझ लो भाग की बात है, पूरे परिवार शामिल होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर भाई बहू एक है लेकिन नीचे सब के आना पड़ेगा उन्हें, ये बात है। ये एक बेटी की दुख भरी सच्चाई है जो आपके सामने आ रही है। और चांदराम जी बड़प्पन के नाते है, मेरे से बड़े हो आप तो इज्जत करता हूँ मैं। रही बात इन धमकियों से मीडिया कमजोर नहीं है, जो किसी माध्यम से अगर आप अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हो तो मैं आपके घर पर भी गया हूँ, हमारी टीम आपके घर पर भी गई है, आपके बेटे विजय से बात भी हुई है, उन्होंने कहा कि हम मीडिया के सामने नहीं आना चाहते, और फिर आप लोग मीडिया के सामने आए हो, हमें कोई शिकवा नहीं, लेकिन आप बेगुनाह हो तो सामने आओ बताओ। लेकिन ये नहीं कि इनके कहने पर मीडिया के एलिगेशन नहीं है, बेटी के कहने पर आपको गुनाहगार बनाया जा रहा है और आप सामने भी नहीं आओ, और जो है मीडिया का और इस गुड़िया का मुंह बंद कर लो, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा। अगर सच्चाई दिखाने में भी मीडिया सक्षम नहीं है तो हमें लाखों नहीं करोड़ों आदमियों का जो है माताओं बहनों का जो है विश्वासघात हमने उसके साथ में करना पड़ेगा, और वो हम बिल्कुल नहीं कर सकते एक चांदराम के ऊपर।
बेटे गलत तक सही है ये? बिल्कुल सही है, वो चांदराम इतना बांध कह रहा है मेरे बेटे का नाम नहीं लेगी, मेरी छोरा का नाम नहीं लेगी, मेरा नाम नहीं लेगी, कि पड़ोसिया के ब्याह जा रही हूँ, वो इतना है चौधरीपने मेरे, इतना है हम धरती आला पाका है, तो खुद की औलाद का तो वो ही नहीं सक्या, अपने छोरे ने भी उनका डूब का मर जा, और तो छोड़ो उसकी पोती, उसका अगली वंश बेल मेरे हाथा में है, वो उसका भी नहीं हो सका तो किसका होएगा। राप पर गांव में आप जाकर पूछ लो कितना गिरा और कितना घटिया आदमी, आज मैं बोलने पर मजबूर कर दी हूँ, लास्ट दिन है, आज मैं खुद भी नुचारी हूँ कि वो आज जो उसके असलियत है ना, वो दुनिया के सहमी आवे, कितना घटिया घिनौना आदमी है वो, जो कहन में तनुआ मेरी धर्म की बेटी है, लेकिन असलियत यह आती है कि वो लुगाई बनाना चाहे था। अच्छा एक बात और, जो आज यहाँ रोहतक में गोदनामे की प्रक्रिया हो रही है, हमारे दर्शक कुछ नए जुड़ रहे हैं, उनको ये बताओ गोदनामा आपका आपकी बेटी का दोनों का है या अकेली का है? दोनों का। मतलब कुछ लोग यूँ चाह रहे हैं ना, भाई बेटी विजय को दे के और पूनम में गोद ले रहे हैं, या बेटी पूनम अपनी शादी करने के लिए गोद दे रही है, तो मतलब वो परिवार जो है, हम नहीं जानते उस परिवार को, लेकिन बहुत धन्य है, बहुत भाग्य वाली हैं आप लोग, तो माँ बेटी को आपको, आपको और आपकी बेटी को दोनों गोद ले रहे हैं वो? हाँ दोनों को। रही बात उनके, जो ये भाई जो भी है ये क्या लग रहा है, विजय को देगी या शादी करेगी, ना तो मैं विजय तो अपनी बेटी ने देती, और फिलहाल मेरी शादी करने की कोई मना इच्छा है नहीं। अच्छा एक और चीज, जो ये गोद लेने देने में जो ये गोद वाला मैटर है, इसमें किसी का भी, कोई परिवार का, किसी आदमी का, प्रशासन का, मीडिया का या जनता का, कोई आपके ऊपर दबाव या प्रेशर तो नहीं है? ना ना कोई दबाव, वो तो खुल के बोलो आप लोग। ना भाई क्यों दबाव होगा, अपनी मर्जी तो जा रही हूँ, और क्यों दबाव उठूंगी मैं, जब मैं कमी में नहीं हूँ, क्यों किसी का दबाव उठूंगी, और दबाव चाहे तो ससुराल वाले दिया करे चाहे पियर वाले दिया करे, मेरे पास दोनों ही चीज नहीं, तो दबाव किसका होगा? अब दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से खुश होके जो है गोद ले रहे आपको। हाँ हाँ बिल्कुल। रही बात जो देखा होगा बेटे आप जी जितने बच्चे मरे, रही बात गोद देना या लेना माँ बाप का, परिवार का या संस्था का, किसी आश्रम का काम हो है, जो गोद वो ले रहा है वो परिवार ठीक है, लेकिन गोद आपको कौन दे रहा है, गोद कैसे दे, ये तो है नहीं कि भाई कोई मिंडक का बच्चा है और वो छोड़ के छलांग मार गया, लेकिन गोद जैसे माँ बाप अपने बच्चे को गोद देते हैं, आपको गोद कौन दे रहा है? देखो भाई आप, मैं एक बात बताना चाहूंगी आपने, आप देख कर सको या चीज, जो मैंने देख रहे हो अभी देख रहे होंगे, घर वाले मेरे साथ नहीं, मतलब मेरे मायका पक्ष मेरे साथ नहीं, बिल्कुल सही है, ससुराल पक्ष मेरे साथ नहीं, और तो रही बात है कौन गोद दे रहा है, जो मीडिया वाले सभी भाई हैं, जो जितनी भी मीडिया वाले हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी, जो मैं इस परिवार धोरे छोड़ रही, अरे तो मतलब ये मीडिया वाले सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन मर्जी मेरी है कि मैं उन परिवार वालों के साथ रहूँ, उनने मैं एक्सेप्ट कर रही, बेटी मानी मेरी गुड़िया भी खुद की बेटी मानी, तो मैं अपनी मर्जी तक जा रही हूँ गोद लाने देने का, भाई हमारी खुद की मनो इच्छा थी, हम उनके साथ रहे तो हमने गोद ले रहे हैं। इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे आज गोदनामा आपका हो जाएगा, दूसरे परिवार में आप लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, आज के बाद में कोई भी जो है मीडिया या कोई परिवार, प्रशासन या कोई भी, मतलब इस काम में मीडिया का अहम रोल होता है लोगों को दिखाना, वो मीडिया कर रही है। हाँ भाई, हाँ। लेकिन आज के बाद में जवाबदारी उस परिवार की है, न कि मीडिया की, मीडिया के पास कोई जवाब नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना, उस परिवार की जवाबदारी है आगे आपकी और आपकी बेटी की। हाँ 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 बिल्कुल। कल को कोर्ट या प्रशासन, जनता कोई भी इस चीज का सवाल करे, जवाब मांगे कि भाई पूनम और उसकी बेटी कहाँ है, कैसी है, तो वो हालात जो है, वो हालचाल बताने के लिए हमारे पास में कोई खबर होगी तो जरूर दे देंगे, वो भी आप एग्री हो गए तो, नहीं तो वो परिवार जिम्मेदार है आपका और आपकी बेटी का, ये सही है गलत है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मीडिया वालों का तो दो ही काम है भाई, दोनों पक्ष की बात सुनो और दिखाओ, सच्चाई दिखाओ, चाहे आप मान लो मन ना ही झूठी साबित कर दे मेरे ससुराड़िया, लेकिन ये थोड़ी ना आप एक पक्ष ने दिखाओगे, आप तो दोनों पक्ष ने, आपने करा भी है वो काम, मन ना डेढ़ महीना हो गया, एक महीना होगा लगातार मीडिया के सामने आ रही, और वो दो बार आए हैं, दोनों बार एलिगेशन लगाए और चले गए, भाई जो मैंने चीज पूछ रखी उनने कभी तो जवाब दो मेरे तय है, उनने मेरे पे दो बार में आए हैं, दो बार वे इंजाम लगा गए, मैंने उनके एक एक इंजाम का जवाब दिया है या नहीं दिया आप बताओ भाई, इसने दिया है, लेकिन जो मैंने एलिगेशन ने मान लो इनको एलिगेशन लगा रही है, हकीकत है, सच्चाई है, प्रूफ देखना चाहो मैं प्रूफ दे दूंगी, लेकिन वह वायरल नहीं कर सकते, क्योंकि आप मानो कि भाई गंदी चीज, खराब चीज वो वायरल नहीं हो सकती, गलत चीज कुछ मीडिया का भी अपना मान मर्यादा होता है, को दायरा होता है, नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते हम, न मुंह से बोल सकते हम, क्योंकि माताएं बहनें हैं देख रही हैं,
और जो है बुरी चीज को बुराई बोल के नहीं दर्शाया जाता, कुछ बुरी चीज को सरल शब्दों में बताया जाता है, वो ऐसे बे चीज ऐसे बे बातें नहीं बतानी, नहीं दिखानी होती। हाँ। तो मैं देख के कहना चाहूंगा कि भाई वो नो को हमारे में ये खोट नहीं है वो नहीं है, तो मैं मन ने थारे इंजामा का जवाब दिया जो उन्होंने मेरे पे लगाए हैं एलिगेशन है, लेकिन मेरी बात का भी तो जवाब दो। मैंने 4 महीने हो गए रोती ना, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती हो तो बताओ, मैं माफी मांगने तैयार हूँ, लेकिन मैं रोली मेरे में कोई खोट नहीं है, मैं उनके पैर नहीं मैं पढ़ू भी नहीं गी, क्योंकि 20 तारीख तक का टाइम था उन दो 20 तारीख तक कर रही। दूसरी बात, जो खुद की औलाद का नहीं होया ना, वो बंदा किसी का हो नहीं सकता। बस भाई मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। और रही बात एक लास्ट बात आपसे और भी है इस वीडियो में, क्योंकि जैसे आपने बताया ना गोदनामा, ये कई लोगों का सवाल हमारे पास में स्पेशली जो है आज भी बात हुई है कमेंट के जरिए भी फोन पे भी कि गोद उस बच्ची को दे कौन रहा है, और आपके पास में क्वेश्चन ये है, आंसर ये है कि मेरे पास में किसका सहारा लेऊं मैं कि जो है मेरे गोद कौन देगा, ना माइक है ना ससुराल पक्ष ना कुछ कुछ, अपनी मर्जी से जो है इस परिवार में इन्वॉल्व हो रही है, जरिया एक प्रूफ गोदनामा बन के। हाँ बिल्कुल। तो आज के आगे मैं जो है मीडिया जो है कोर्ट के जरिए जाऊंगी, उस परिवार में भी गोदनामा मेरा कोर्ट के जरिए ही होगा। बहुत अच्छी बात है जी, एक कोर्ट के जरिए ही जाएगी, और आज के बाद में जो है गुड़िया मैं नहीं, मेरी लड़की दक्षी का भी साथ में जाओगी, जो ये भाई कह रहे थे ना अकेली है दक्षी, उसके पापा दौरे जाओगी या शादी होगी ना, तो शादी होती ना दक्षी पापा दौरे जाती, दक्षी अपनी माँ दौरे रहेगी, और जिस परिवार में मैं जाऊंगी मतलब दोनों का ही मेरा परिवार होगा, वो मेरे माँ बाबू ला लो और मेरी बेटी के नाना नानी ला लो। बहुत अच्छी बात है, फिलहाल हमारे पास में इस केस की इतनी अपडेट है, अगली अपडेट जैसे भी कोई होगी सामने आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल बने लोक शक्ति मीडिया से, धन्यवाद।